बिल्कुल सही फरमाया आपने, वाकई में ये प्रतियोगिता तो बहुत अच्छी है। आदाब भाभी जान। हाँ तो भाई जान, क्या सोचा है आपने इस बार हमें अपने खेतों में कौन सी फसल बोनी चाहिए? देखो, धान की खेती में पानी की जरूरत होगी। सो तो है, तुम्हें तो मालूम ही है शिरडी में पानी की कमी है। हमें ऐसी फसल की बुवाई करनी होगी जो इस मिट्टी में अच्छे से और तेजी से बढ़े और उसकी उपज भी ज्यादा से ज्यादा हो। मेरे ख्याल से बाजरा या ज्वार सही रहेगा। आप जो भी फैसला लें मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, हमें अपने खेतों में अच्छी किस्म की खाद डालनी चाहिए जिससे फसल तेजी से बढ़ने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा उपज भी दे। कह तो सही रहे हो तुम, लेकिन सलीम, इसके लिए हमें शहर जाना होगा और वक्त बहुत कम है। आप फिक्र क्यों करते हैं भाईजान, जब मैं रजाइयां बेचने के लिए शहर जाऊंगा तो वहां के बाजार से अच्छी किस्म की खाद के बारे में जानकारी ले लूंगा। हमें इस बार अपनी खेती में कोई समझौता नहीं करना चाहिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो इनाम की रकम हमें ही मिले। इंशाल्लाह। सलीम, अगर ये रकम हम जीत गए तो हमारे जितनी भी मुश्किलात हैं सब खत्म समझो, और असलम की शादी में चार चांद लग जाएंगे और हम एक बड़ा और बेहतर घर बनाएंगे जहां हम सब लोग एक साथ रह सके जैसे बचपन में रहा करते थे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां। इंशाल्लाह। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारा पैसा बचेगा जिसे मैं अपनी रजाई के कारोबार में लगाऊंगा और उसे खूब बढ़ाऊंगा। मेरा शक सही निकला, सलीम भाईजान और रेहाना सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। जो चीज मन में लालच पैदा करे वो चीज किसी के लिए भी अच्छी नहीं हो सकती। मेरी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आपस में लड़ाई झगड़ा करना ये अच्छी बात नहीं है। हमें हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो वादा करो, सबसे पहले तुम लोग अपनी दोस्ती को महत्व दोगे, उसके बाद ही किसी दूसरी चीज को। मैं वादा करती हूँ साईं। मैं भी वादा करता हूँ साईं। मैं भी करती हूँ वादा। मैं वादा करता हूँ साईं। मैं वचन देता हूँ कि हम लोग दोस्ती के बीच किसी को भी नहीं आने देंगे। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। पहले जैसा हो गया। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी दोस्ती की तरह। अब तुम लोग इस पंख को हमेशा अपनी दोस्ती की निशानी के रूप में, अपनी दोस्ती के प्रतीक के रूप में अपने पास रख सकते हो। हाँ। चाहो तो बारी बारी से अपने घर भी ले जा सकते हो। खेलने आते समय अपने साथ ले आना, पर तुम्हें इस पंख का ध्यान पूरे प्यार से, पूरी सौम्यता से रखना होगा। हमारे रिश्ते नाते, हमारी दोस्ती, हमारे संबंध भी इस पंख की तरह ही कोमल, नाजुक होते हैं। हमें उनका ध्यान पूरी सौम्यता के साथ रखना चाहिए।
अगर हम कठोरता से जबरदस्ती से इनके साथ पेश आएंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन अगर तुम सब प्यार से एकजुट होकर इन्हें पोषित करोगे तो ये और भी मजबूत बनेंगे, बरकरार रहेंगे। ये साई, हम इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। बीमा, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई। नहीं अली, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। अरे मैं कह रहा हूँ ना, गलती मेरी थी। नहीं, गलती मेरी थी। मेरी गलती थी। बस बस, अब वापस मत शुरू हो जाना। साई, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम शिरडी में वापस आ गए। अगर तुम नहीं आते तो हम सबको ये कौन सिखाता। जिस सरलता से ये बच्चे अपने झगड़े अपने मतभेद भुलाकर फिर से एक हो जाते हैं, उसी सरलता से हम बड़े अपने मसले क्यों नहीं हल कर सकते। अल्लाह मालिक। लीजिए, खाना लजीज बना है ना? बेहद। सुनिए। कहिए। आज मैं वो हिमालय के सलीम भाईजान के घर पर गई थी, लेकिन अंदर दाखिल होने से पहले मैंने कुछ ऐसा सुना कि मैं वहीं रुक गई। अब ऐसा क्या सुन लिया? वो सुलभा है ना, रेहाना उसे काम दे रही थी। काम? कैसा काम? वही रजाई के गिलाफ पर कढ़ाई का काम। वो सलीम भाई तो कह रहे थे कि अभी धंधा मंदा है। वो अगर सच कह रहे हैं तो रेहाना गांव की औरतों को काम कैसे दे रही है? बेगम, आपने रेहाना से इस बारे में बात की? वो सुलभा को क्या काम दे रही थी, ये आपने उससे पूछा? नहीं, वो मुझे बस तो आपके साथ तो यही दिक्कत है ना कि आप आधी अधूरी बातें सुनती हैं और मनी मन खिचड़ी पकाने लग जाती है, कुछ का कुछ समझने लग जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको गलतफहमी हुई है। अरे, जब सलीम कह रहा है कि कारोबार उसका मंदा चल रहा है तो वो सच कह रहा है। मेरी बात तो कभी आप सुनते ही नहीं हैं। सलीम के मामले में आप गलत हैं। याद कीजिए, जब मैंने सलीम से पैसों का जिक्र किया था तो फौरन उठ के उसने बक्सा खोलकर चंद पैसे अपने लिए रख के बाकी सारे पैसे उसने मुझे दे दिए थे। याद कीजिए। हाँ, मैंने देखा था कि उन्होंने आपको कितना दिया था, लेकिन आपको कैसे पता कि वो अपने सारे पैसे उसी एक डब्बे में रखते हैं? देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हमारी खानदानी जमीन है और मैं ये बखूबी जानती हूँ कि उस जमीन पर सलीम भाई का भी उतना ही हक है जितना आपका। लेकिन आप ही बताइए, आज तक एक बार भी उन्होंने खेती के काम में आपकी मदद की है? क्योंकि बेगम, वो रजाई का कारोबार संभालता है। मुझे पता है, लेकिन काम तो सारा आप ही करते हैं ना। फसल बेचने के बाद उनके हक का जो हिस्सा होता है आप उन्हें दे ही देते हैं ना। बेगम, आपको ये तो बाखूबी याद रहा, लेकिन आप ये भूल गई कि रजाई की कमाई से जो मेरा हिस्सा बनता है वो तो सलीम लाके मुझे देता है ना। आप ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं, जबकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि खेती से जो आमदनी होती है उसके दो हिस्से बनाकर एक हिस्सा आप सलीम भाईजान को दे देते हैं और दूसरा हिस्सा अपने लिए रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सलीम भाईजान ऐसा करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि रजाई के कारोबार से आमदनी कितनी होती है। हाँ बेगम, जैसे हमें नहीं मालूम कि रजाई के कारोबार से सलीम को क्या आमदनी होती है, वैसे सलीम को भी कहाँ मालूम कि हमारी क्या आमदनी होती है। ना कभी उसने आके हमसे पूछा, क्योंकि जितना मुझे उस पर भरोसा है उतना ही उसे मुझ पर भरोसा है। हाँ, आपको भरोसा नहीं है तो सिर्फ मुझ पर। सलीम भाईजान तो जैसे बस बेगम, अब मैं सलीम के खिलाफ और एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। मैं अपने भाई को आपसे बेहतर जानता हूँ। ये जो आप मुझे सलीम के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है ना, ये मत कीजिए। और जो कुछ भी आपने सुना मुझे उस पर एतबार नहीं है।
अरे अरे सुनिए, आपने खाना क्यों छोड़ा? नाराज क्यों हो रहे हैं आप? मैं तो बस आपसे इतना ही कह रही थी कि वो सलीम मियां और आज भी हमसे किसी ने कंबल नहीं खरीदा, ऐसे कैसे काम चलेगा हमारा? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। गर्मियों में ये परेशानी तो हर साल आती है, लेकिन इस बार असलम के निकाह की वजह से ये परेशानी पहाड़ के जैसी लग रही है। भाईजान ने भी मदद मांगी है, पैसे जुटाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता से एक उम्मीद जगी है, लेकिन उसके लिए मुझे और भाईजान को अच्छी किस्म की खाद और बीज चाहिए होगा ताकि फसल अच्छी से अच्छी हो। लेकिन हालात तो ऐसे हैं जैसे खाद खरीदने के लिए भी पैसे जुटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। पल ठहर के, इतनी गर्मी है कि लोग अपने घरों से भी नहीं निकल रहे, सिवाय साई के। राम जी भला करें, कौन सी परेशानी सता रही है तुम लोगों को? रोजगार मंदा होने की वजह से हम लोग परेशान हैं। इस गर्मी के मौसम में कोई भी हमसे कंबल नहीं खरीद रहा है, अब तो गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है साईं। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? हो सकता है अपना फायदा देखकर ग्राहक अभी से ही कंबल लेकर अपने घरों में रख ले, क्योंकि ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि सर्दियों के दौरान रजाइयों के कंबलों के भाव बढ़ जाते हैं। अगर ऐसा करोगे तो इससे तुम लोगों का भी फायदा है और ग्राहकों का भी। अगर आप कह रहे हैं तो यही सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है साईं, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इस बेशकीमती सलाह के लिए शुक्रिया साईं। मेरी एक सलाह और मानोगे तुम? जरूर साईं। इसी जगह पर रुके रहो, इतनी गर्मी में। साईं, अगर आप कह रहे हैं तो हम जरूर रुकेंगे। अल्लाह मालिक। आखिर साईं, इतनी गर्मी में हमें यहाँ खड़े होने के लिए क्यों कह गए हैं? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ इतना जानती हूँ कि साईं कोई भी बात बेवजह नहीं बोलते। सबको अमीर बनना है। आप यकीन मानिए कुलकर्णी सरकार, इस प्रतियोगिता में किसानों के भाग लेने का पंजीकरण शाम तक चलता रहा, फिर भी लोग आ रहे थे। नंदलाल तो बता रहा था कि तांता लगा हुआ था लोगों का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि शिरडी में इतने किसान हैं। अरे ओम, रत्नाकर जी शिरडी में नहीं तो क्या शहर में होंगे किसान? लेकिन रत्नाकर जी, मुझे पूरा विश्वास है आपकी ये प्रतियोगिता 100% सफल होने वाली है। वैसे कितने किसानों ने अपना नाम लिखवाया है? नंदलाल सूची दिखाओ जी। हरिओम हरिओम। हरिओम, लगता है शिरडी के सारे किसानों ने अपना नाम पंजीकृत करवाया है। मुझे इसी का अनुमान था, अप्पा पाटिल ने अपना नाम नहीं लिखवाया है इसमें। कुलकर्णी सरकार, अप्पा पाटिल अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है।
मेरे लिए जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि शिरडी के किसानों को फंसाने के लिए जो जाल मैंने बुना, उनमें से अधिकांश पके हुए आम की तरह टपक के उसमें गिर पड़े। अब हमें इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाना है। लाभ तो मैं उठाऊंगा रत्नाकर, क्योंकि कोई भी किसान अपने खेतों में अनाज का उतना उत्पादन नहीं कर सकता जितना कि मैं। 1,000 रुपए का प्रश्न है वो गांव के भिखारियों को मिले हो ही नहीं सकता। हरिओम। काफी वक्त हो चुका है, अब हमें चलना चाहिए। चलो रिहाना। अरे वहीनी, इतने गर्मी में आप किधर से आ रही हो? कुछ जरूरी काम था, वरना इतनी गर्मी में कौन घर से बाहर निकलता है। कोई बात? अरे नहीं नहीं, वो क्या है, अपने रिश्तेदारों के साथ हम सब अगली सर्दियों में तीर्थ यात्रा पर जाने का सोच रहे हैं। बस इसी सिलसिले में बात करने गई थी कि कौन कौन साथ जाएगा, किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कौन किस चीज का खर्चा उठाएगा या अपने साथ लेके जाएगा, बस यही सब। क्यों नहीं ग्राहकों को थोड़ी छूट देते थे तुम लोग? वही नहीं, अगर आप लोग सर्दियों में जाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को कंबल और रजाइयों की जरूरत पड़ेगी। हाँ वो तो पता है, जब सर्दियाँ आएंगी तो उस समय देखा जाएगा। पर वहीनी, अगर आपने हमसे इस समय खरीदा तो हम आपको 20% छूट देंगे। क्या है ना, गर्मियों का मौसम है तो ग्राहकों के लिए खास छूट है। सच में? फिर तो मैं अभी ही खरीद लूंगी। तो आपको कितने की जरूरत होगी? अगर मुझे कम दाम में मिल रहा है तो मैं कंबल की जिम्मेदारी ले लेती हूँ और अपने नंदोई से कह दूंगी कि वो गाड़ी का खर्च उठा ले। मैं 20 कंबल लूंगी। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास 10 ही कंबल है, बाकी के 10 कंबल जल्द से जल्द बनाकर आपके घर पहुंचा दूंगा। ठीक है, दुकान पर आकर तुम पैसे ले जाना। अब मैं चलती हूँ और तुम लोग भी घर जाओ, धूप बहुत है, बीमार पड़ जाओगे। इतने तो हम 2 महीनों में भी नहीं बेच पाते। मन में साई के क्या है? सच में साई कमाल है ना। वो कब, क्या और क्यों कहते हैं ये तो उस वक्त किसी के समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ इतना जरूर है, अगर उनकी बात पर अमल कर लिया जाए फायदा हमारा ही होता है। बिल्कुल, अब मैं अच्छी किस्म की खाद खरीद सकूंगा, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। रत्नाकर जी की प्रतियोगिता के लिए, उसे जीतने के लिए अच्छी फसल की पूरी कोशिश कर सकूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही उचित कहा आपने। वैसे सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं भी सम्मिलित हो जाऊं इस प्रतियोगिता में। 1,000 रुपए का विजयी होने का लोभ नहीं है मुझे, अगर मैं भी इसमें सम्मिलित हो गया तो किसी को हमारी योजना पर संदेह नहीं होगा। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं मैं, तुम्हारे मन में तो उस दिन से ही लड्डू फूट रहे हैं जिस दिन से 1,000 रुपए के इनाम के बारे में तुम्हें बताया था। तुम्हें भाग लेना है ना?
लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आखिरी निर्णय तो मेरे ही हाथ में है कुलकर्णी सरकार। किस सोच में डूबे हैं रत्नाकर जी? अति उत्तम सुझाव है आपका, बल्कि मैं तो ये भी कहूंगा कि आपका ये सुझाव ही 1000 रुपए के मूल्य का है। अरे ओम तो ये निश्चित रहा कि मैं भी इस प्रतियोगिता में सम्मिलित हो रहा हूं। हाँ प्रतीत होता है कि जैसे ईश्वर मेरे साथ है, अधिक मास में मेरे पास अधिक धन आने का प्रबंध कर दिया है उसने। अरे ओम। अधिक मास क्या होता है साई? अध्यापक जी ने हमें केवल 12 माह तक ही पढ़ाया था और उन महीनों में अधिक मास का नाम भी नहीं था। मैंने सुना है आजकल अधिक मास चल रहा है। जिससे सुना सही सुना है। आमतौर पर साल में केवल 12 महीने ही होते हैं, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 32 माह और 16 दिन में एक बार, यानी हर तीसरे वर्ष अधिमास आता है। वो तो ठीक है, लेकिन लोग इस माह में एक दूसरे को दान क्यों करते हैं, भेंट उपहार क्यों देते हैं? 12 महीने 12 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हर चंद्रमास के लिए एक देवता निर्धारित किए गए। ये एक पौराणिक कथा है, पर 13वें मास के लिए कोई भी देवता निर्धारित नहीं किए गए, इसलिए लोगों ने उसे मल मास यानी खराब महीना कहना शुरू कर दिया। इससे इस 13वें महीने को बहुत बुरा लगा। मैं 13वें महीने की तकलीफ समझ सकती हूँ साई। लोग मुझसे दूर रहते थे, दुत्कारते थे। कुछ ऐसा ही समझ लो, 13वां महीना दुखी होकर भगवान विष्णु के पास गया तो भगवान विष्णु ने उसकी व्यथा सुनकर उसे अपना नाम दे दिया, पुरुषोत्तम कहकर पुकारा उसे। तब से सब लोग उसे पुरुषोत्तम मास या अधिक मास कहने लगे। इस मास में लोग दान पुण्य व्रत उपवास ध्यान पूजा पाठ आदि करते हैं, अपनों को उपहार देते हैं। जैसे तुमने मेरी मदद की, वैसे ही विष्णु भगवान ने अधिक मास की मदद की। है तो मीठा। वाह 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 रुक्मिणी, अधिक मास की ऐसी गर्मी में तुमने तो ये मतलब कमाल कर दिया, तरबूजा। वाह 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 दादा, अकेले अकेले खा रहे हो ना, बहन को दिए बगैर? रुक्मिणी, वो और एक तरबूज लाया हूं ना, छोटा वाला। हाँ बोले क्या, वो इसके लिए है। जी हाँ, तुम्हें छोड़ के इस घर में कोई कुछ खाता है भला? दादा वैसे तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बहुत ही प्रसन्न हूं मैं चू, बहुत ही प्रसन्न। जैसे मैंने सोचा था वैसा ही सब घटित हो रहा है अधिक मास में। अधिक मास, तब तो अच्छा मौका है, दादा से अधिक मास का उपहार मैं अभी मांग लेती हूँ। दादा अधिक मास चल रहा है ना, तो अधिक मास में तो घर की बेटियों को उपहार मिलता है ना, मुझे भी उपहार चाहिए।
सच कहा तुमने, लेकिन उपहार तो लड़की के ससुराल में भेजा जाता है, मायके से मायके नहीं। वो सब मुझे नहीं पता दादा, उपहार तो मुझे चाहिए, मायका हो या ससुराल, उपहार तो घर की बेटी को मिलता ही है ना। अब ये वहीनी, ये अगर अपने मायके में होती तो क्या इसके मायके वाले ये कहते कि इसको उपहार नहीं देंगे? क्या हुआ? खाना खेत पर भिजवा देना, बाजार से सीधा खेत जाऊंगा। और हाँ, शाम को लौटने में देर हो जाएगी, वो सलीम के साथ बाजार जाना है बीज लाने। क्या बेगम, तुम्हें अभी भी सलीम पर शक है? मेरी बात मानो, ये गलत फहमी मत पालो। ये 1000 रुपए का इनाम सुन के ना तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं। सुल्तान मियां, कैसे हैं? सब खैरियत? जी सब खैरियत। अब बताइए कैसे आना हुआ? सलीम को ढूंढ रहा था, वो घर पर मिला नहीं। बता सकते हो कि वो कहाँ मिलेगा? लेकिन इस वक्त तो उसे घर पे ही होना चाहिए था, कहीं गया होगा। बताइए, आपको कोई काम था उससे? हाँ, उससे कंबल खरीदे थे और उसी के पैसे देने थे। हाँ, पूरे 20 कंबल खरीदे। वो आए तो उससे कहना उससे आकर मिल ले, चलता हूँ। सुना आपने? अब तो यकीन आ गया आपको? कहाँ आपका भाई कह रहा था कि धंधा मंदा चल रहा है, यहाँ तो एक आदमी को 20 कंबल बेचे हैं उन्होंने। ये तो गनीमत है कि हमको पता चला। खुदा जाने कितने कंबल रोज बिकते होंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। अरे अरे, हो सकता है कि... अरे कब तक आंखों पर पट्टी बांध के रहेंगे आप? और कौन से अपने ऐशो आराम के लिए पैसे मांगे थे? असलम के चाचा है सलीम भाईजान, अपने भतीजे के निकाह पे हाथ बटाना उनका फर्ज है। चलिए ये बात भूल जाइए कि मैंने क्या कहा था, लेकिन ये तो साबित हो गया ना कि हमारे असलम की कोई परवाह नहीं है सलीम भाईजान को। वरना इस तरह से झूठ नहीं बोलते कि धंधा मंदा चल रहा है। अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। गर्मियों का मौसम है तो धंधा भी बिल्कुल ना के बराबर है। सही कह रही, अपने निकाह के चंद दिनों बाद सलीम मेरे पास आया और कहने लगा कि वो खेती बाड़ी नहीं करेगा, रजाई कंबल का कारोबार करेगा। छोटा भाई है, तरक्की करेगा तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर उसका रवैया मेरे लिए ऐसा है तो फिर ठीक है, आज से वो अपना कारोबार संभाले और मैं अपना बाजार में अकेले जाऊंगा। और हाँ, अब इस प्रतियोगिता से जुड़ा हुआ हर फैसला मैं अकेले ही लूंगा। साई, मुझे उती चाहिए। मैंने सुना है उससे लोगों को बहुत फायदा होता है। माई, आप क्या किसी बीमारी से पीड़ित हैं? हाँ, लेकिन शारीरिक रूप से नहीं, मैं अपनी गरीबी से पीड़ित हूँ। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करती हूँ, एक पत्नी और माँ के रूप में मुझ पे जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते मैं ये भूल गई हूँ कि मैं एक बेटी भी हूँ। अपने मायके गए मुझे वर्षों हो गए साईं, ऐसा नहीं है कि मेरे पति मेरी मदद नहीं करना चाहते, लेकिन आमदनी कम है, ऊपर से घर चलाने की जिम्मेदारी आधी मास चल रहा है, और मैं अपने मायके जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। जाना तो दूर, अपने माँ बाप और तीनों भाई बहनों के लिए
कुछ भेजने की हैसियत भी नहीं है मेरी। आप मुझे उदी दे दीजिए, मैं ये उन्हें भेज दूंगी और यहीं से उनके लिए प्रार्थना और मंगल कामना करूंगी। उदी का महत्व तो किसी भी उपहार से कई गुना ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो आपको उदी जरूर दूंगा, लेकिन क्या ये टोकरियां बनाने में आप मेरी मदद करेंगी? मुझे आपकी मदद करके खुशी होगी साई, लेकिन इस काम के लिए आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? मुझे आपसे पैसे मांगना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर मिल जाएंगे तो इस गरीब की कुछ मदद हो जाएगी। माई, मैं खुद भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी साईं, पर उसके बाद आप मेरे मायके के लिए उदी देंगे ना? जरूर दूंगा। शुभ समाचार, ध्यान से सुने जितने हैं अनुयायी, क्योंकि अब से हर रोज आपसे मिलने और भी जल्द आएंगे आपके साथ मेरे साईं, रात 7 बजे सिर्फ सोनी पर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.